होंडा एक्टिवा 7G कब तक लॉन्च होगी, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का होगा। लॉन्च होगी या फिर नहीं लॉन्च होगी, तो सबसे पहले आपको बता दें कि होंडा 6G जो मॉडल अभी BS6 मॉडल में बेचा जा रहा था, ऐसे में कंपनी ने BS6 फेज 2 जब लॉन्च किया तो इसमें कंपनी ने एच स्मार्ट नाम रख दिया एक्टिवा की। अब जो एक्टिवा मिल रही है वो 6G नाम से नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां से 6G का जो नाम है, जो बैजिंग है, उसको हटा दिया गया है। अब एक्टिवा केवल एक्टिवा नाम से बेची जा रही है या फिर एक्टिवा एच स्मार्ट के नाम से बेची जा रही है। ऐसे में काफी सारे जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही कहा गया है कि एक्टिवा 7G नाम से हो सकता है कि एक्टिवा नहीं लॉन्च होगी। जब नेक्स्ट जनरेशन मॉडल एक्टिवा आएगी तो नए जनरेशन मॉडल का नाम रखा जाएगा, वहाँ पे 7G नाम हटाया जा सकता है, क्योंकि करंट मॉडल में जो एक्टिवा बेची जाती है 6G नाम तो हटा ही दिया गया है, अब केवल एच स्मार्ट नाम से आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें एक रिमोट की भी दिया गया है। रिमोट की मदद से आप स्कूटर को स्टार्ट या फिर बंद भी कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक टाइप इसमें फीचर्स दिया गया है। इसके अलावा इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है। बाकी जो एक्टिवा की इसमें जो प्राइस चल रही है एक्सरूम 75,347 रुपीज तक चल रही है एक्सरूम प्राइस स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ, लेकिन जो एच स्मार्ट है उसके साथ 81,348 रुपीज तक एक्सरूम प्राइस चल रही है। लेकिन एक्टिवा 7G अगर आती है, अगर एक्टिवा 7G नाम नहीं रखा जाता है, नेक्स्ट जनरेशन एक्टिवा रखा जाता है, तो वहां क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। तो हो सकता है कंपनी अब इसमें नया मीटर कंसोल दे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से कंपनी केवल एनालॉग मीटर दे रही है। यहाँ पे आपको काफी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक्टिवा अभी तक जो 110 सीसी में आती है डिस्क ब्रेक बेयरिंग के साथ नहीं आती है, ये भी थोड़ी सी कमी आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाती है, तो कंपनी को इसको भी चेंज करना चाहिए। हालांकि एच स्मार्ट में जब लॉन्च किया गया तो अलॉय व्हील्स यहाँ पे दे दिया गया है, तो वो कमी तो दूर हो चुकी है। बाकी आप क्या चाहते हैं कि होंडा एक्टिवा जब नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आए तो उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए, और क्या कंपनी को होंडा एक्टिवा 7G नाम रखना चाहिए या फिर केवल होंडा एक्टिवा ही रखना चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। बाकी कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि 7G नाम रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो 6G नाम है उस नाम को हटा दिया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 7G नाम शायद कंपनी ना रखे। बाकी कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज आती है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।